नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आप देखना शुरू कर चुके हैं, एक और उम्दा बॉवेल नोजोर की बारे में जानकारी। इस बॉवेल नोजोर का नाम है डिस्को, या इसे हम डिसेंट्री को के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण है जो हमें रोगी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर डिस्को ये दवा हम दे सकते हैं। पूरी जानकारी डिटेल में लेंगे। इसके अलावा ये कहाँ पे इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है, इससे रिलेटेड होम्योपैथिक दवाइयाँ और कौन सी है, और साथ ही साथ इसको लेने का डोजेस कैसा है, इसकी पूरी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे डिस्को इस दवा के बारे में, इस बॉवेल नोजोर के बारे में। बहुत ही अच्छा बॉवेल नोजोर है। अब बॉवेल नोजोर यानी हमने ऑलरेडी बताया है कि ये वो दवाइयां होती है जो हमारे आंत के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को पोटेंटाइज करके बनाई जाती है। तो डिस्को ये दवा बनाई जाती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस डिसेंट्री। ये हमारे इंटेस्टाइन में अबाउंडेंटली पाई जाती है, पाए जाने वाला बैक्टीरिया होता है, और इसी को पोटेंटाइज करके हम ये दवा बनाते हैं। अब इसके अंदर कीनोट की यदि हम बात करते हैं तो कीनोट क्या देखने को मिलेगा डिस्को या डिसेंट्री को के अंदर, तो एक मेन कीनोट हमें देखने को मिलता है, वो है नर्वस टेंशन। खासकर ऐसा नर्वस टेंशन जहां पे इंसान एंटिसिपेट कर रहा होता है कोई चीज, जैसे कि यदि कोई एग्जाम गोइंग स्टूडेंट है और उसे एंटिसिपेशन है कि पेपर कैसा आने वाला है, क्या आने वाला है, मैं बराबर दे पाऊंगा या नहीं, या फिर कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है बंदा नया फ्रेश ग्रेजुएट, और वो एंटिसिपेट कर रहा है यार मुझे जॉब लगेंगी या नहीं, मुझे पैकेज मिलेगा या नहीं, क्या सवाल पूछेंगे इंटरव्यूअर, या फिर कोई बिजनेसमैन है जो बहुत बड़ी डीलिंग करने जा रहा है और एंटिसिपेट कर रहा है यार सामने वाला डील मानेगा नहीं मानेगा, अपनी डील प्रॉपर होंगी या नहीं होंगी। तो इस एंटिसिपेशन में कई बार नर्वस टेंशन क्रिएट होता है, और बहुत ज्यादा नर्वस टेंशन क्रिएट होने की वजह से तकलीफें हमें रोगी के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे केसेस के अंदर ये दवा बहुत अच्छी तरह से हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके मानसिक लक्षणों के बारे में, क्या मेंटल सिम्टम्स हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि नर्वस टेंशन तो रहेंगे, एंटिसिपेशन की वजह से बहुत ज्यादा नर्वस टेंशन रहता है, और मेंटल अनइजीनेस हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। वो मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता है, बिल्कुल भी पीसफुल नहीं रहता है अगर कोई ऐसा एंटिसिपेटरी इवेंट उसके लाइफ में जा रहा होता है। इसके अलावा पेशेंट का स्वभाव ऐसा होता है कि वो क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं सहन करता, बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, उसको थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज किया तो वो बहुत ज्यादा जल्दी बुरा मान जाता है, कई बार तो गुस्सा भी हो जाता है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा शाय किस्म का ये बंदा होता है, और नए लोगों के बीच में खुद को ईजी नहीं महसूस करता है, बहुत ही अनइजी फील करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्रुप है दोस्तों का, और उस ग्रुप के अंदर तो ये अच्छे से एंजॉय कर रहा है, लेकिन दूसरा ग्रुप उसको ज्वाइन कर लेता है जिसमें तीन चार लोग है और म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ही फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो बंदा है ये थोड़ा अनइजी हो जाएगा और फिर से शाय हो जाता है, यानी अच्छे से खुल के बात नहीं कर पाता है, तो अपने शेल के अंदर चल जाता है। तो इतना ज्यादा शायनेस हमें इस रोगी के अंदर देखने को मिलता है। मेंटल अनइजीनेस बहुत ज्यादा होता है रोगी के अंदर, और ये मेंटल अनइजीनेस हम नोटिस कर सकते हैं क्योंकि उसके हाथों के अंदर कंटिन्यूअस मूवमेंट रहेंगी, पैर के अंदर कंटिन्यूअस मूवमेंट रहेंगी, बहुत ज्यादा फिजिकल लेवल पे हमें रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है, चेहरे पे अलग अलग एक्सप्रेशन बनाएगा, कभी कान खुजाएगा, कभी बार बार जीभ निकालेगा, इस तरह के एक्सप्रेशंस हमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है जो हम फिजिकली अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे लोगों के अंदर। अक्सर एंटिसिपेशन इतना ज्यादा कर लेता है रोगी कि उसको सिरदर्द शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, खासकर वर्टेक्स के अंदर या सामने से या ऊपर से सिरदर्द पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा सिरदर्द हमें देखने को मिलता है, और इसके अंदर हमें पीरियोडिसिटी भी देखने को मिलती है। पीरियोडिसिटी 7 से 14 दिन की, यानी हर हफ्ते 15 दिन के अंदर रोगी सिरदर्द की तकलीफ लेके आएगा और कहेंगे कि अब बिजनेसमैन है तो उसकी डीलिंग्स चलती रहेंगी, तो वो कहेंगे कि यार मैं वो उसके बारे में सोच रहा था, मैं कोई और फलाना ढिमका के बारे में सोच रहा था, और एंटिसिपेट करते करते रात भर जाग गया और फिर अब मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो हर 7-15 दिन के अंदर ऐसे लोगों के अंदर इस तरह का हेडेक यदि आपको देखने को मिलता है तो आप उसको ये दवा डिस्को दे सकते हो, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि बात करें तो ये डिस्को जो दवा है इसका एक सिलेक्टिव एक्शन हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है।
हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरस। यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ। अब ये जो पाइलोरस होता है अक्सर इसके अंदर जो है स्पाजम हो जाता है, यानी ये स्पाजम की वजह से इसकी जो साइज है वो कम हो जाती है, तो जो खाना है वो पेट से नीचे की तरफ नहीं आ पाता है, वो पेट के अंदर ही रह जाता है। तो इसका असर क्या हमें देखने को मिलता है कि खाना वहीं पड़ा रहता है, वहीं डाइजेस्ट होता रहता है और धीरे धीरे हमें पेट फूलता हुआ देखने को मिलता है, पेट का डायलिटेशन हमें देखने को मिलता है। अक्सर ऐसे रोगी खाना खा के सो जाते हैं और रात को 12 एक बजे बहुत ज्यादा पेट दर्द की तकलीफ से उठ जाते हैं, बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा होता है उनका, और फिर उठने के बाद में उन्हें बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा म्यूकस मटेरियल वोमिटिंग से निकलता है और वो वोमिटिंग होने के बाद में उन्हें अच्छा लगता है। तो ये तकलीफ यदि देखने को मिलती है, यानी कोई रोगी सो रहा है और फिर नींद में से उठना पड़ रहा है उसको 12 एक बजे और फिर वोमिटिंग करके उसको अच्छा लग रहा है और ये परसिस्टेंटली हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम डिस्को ये दवा दे सकते हैं। अब खासकर बच्चों के अंदर भी हमें ये, छोटे बच्चों के अंदर भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, न्यूबॉर्न्स के अंदर या जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है जहाँ पे फीडिंग के बाद में उन्हें इस तरह की वोमिटिंग हमें अक्सर होती है देखने को मिलती है। पेशेंट बच्चों को जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसको कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी इस दवा को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसको कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस ना हो, उसे पाइलोरिक स्पाज़म हो जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही हो, तो ये दवा से वो आराम, वहां पे आराम मिल जाएगा और जो बच्चे की तकलीफ है वो तकलीफ उसकी सॉल्व हो जाती है। तो जरूर ऐसे रोगियों के अंदर, ऐसे बच्चों के अंदर हमें ये दवा को जरूर देना चाहिए। ये बहुत अच्छी दवा है ड्यूओडेनल अल्सर के लिए। ड्यूओडेनल अल्सर खासकर ऐसे लोगों के अंदर जो बहुत ज्यादा एंटीसिपेट कर रहे हैं, नर्वस टेंशन के अंदर है, तो फिजिकल सिम्टम्स भी हमें अक्सर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हमेशा डिस्कम्फर्ट हमें देखने को मिलेगा और वो कहेगा कि पेट के अंदर या हमें दिल के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा ऐसा स्ट्रेसफुल लग रहा है, पेट अच्छा नहीं लगता है, या ये चेस्ट का एरिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कई दिनों तक चलता है और फिर अल्टीमेटली डायग्नोस होता है कि उसे ड्यूओडेनल अल्सर है। इसके पहले हमने एक और दवा देखी थी जिसके अंदर हमें ड्यूओडेनल अल्सर देखने को मिले थे और वो है प्रोटियस, प्रोटियस बैच या बैसिलस प्रोटियस जो होता है उसके अंदर भी हमें ड्यूओडेनल अल्सर देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे इस तरह का नर्वस टेंशन हमें देखने को नहीं मिलता है। वहां का जो नर्वस टेंशन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अफेक्शन की वजह से हमें देखने को मिलता है, तो वहां पे जो लक्षण है वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं लेकिन अचानक से प्रेजेंट होते हैं। तो फिजिकल कंडीशन पे जो है क्राइसिस जो होता है प्रोटियस के अंदर वो अचानक से आ जाता है। ड्यूओडेनल अल्सर डायरेक्टली प्रेजेंट करता है या तो मलीना या हेमेटेमेसिस के तौर पे, हमने वहां पे डिस्कस किया था उस मेडिसिन के अंदर। यहाँ पे डिस्को के अंदर हमको प्रीसीडिंग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पेट के अंदर, छाती के अंदर दर्द पेशेंट के अंदर इस बीच में देखने को मिलेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी, रात को उठ उठ के वोमिटिंग कर रहा था पेशेंट, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और फिर जाके हमको ड्यूओडेनल अल्सर डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों ही दवाइयां ड्यूओडेनल अल्सर के अंदर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस यहाँ पे, मेजर डिफरेंस यहाँ पे ख्याल में आया होगा कहाँ पे कौन सी दवा देना है, ये आपको ध्यान में आया होगा। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो एंटीसिपेशन, आप हमने सभी को कभी ना कभी एंटीसिपेशन का जो एंजाइटी है वो हुई होगी, तो एंटीसिपेशन में जो एंजाइटी के वक्त हमारे लक्षण है उन सभी लक्षणों को ये दवा अच्छी तरह से कवर करती है, जैसे कि हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन होना, बहुत ज्यादा नर्वस टेंशन की वजह से धड़धड़ाहट सी होना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है तो धड़धड़ाहट की वजह से कई बार पेशेंट एक जगह पे बैठ जाता है, 2-4 मिनट का ब्रेक लेता है और फिर वो इवेंट करने चले जाता है। तो इस तरह के एंटीसिपेटरी डिस्कम्फर्ट यदि कार्डियक एरिया के अंदर देखने को मिलता है तो उस डिस्कम्फर्ट को, डिस्को ये दवा बहुत अच्छी तरह से कवर करती है, और ये सभी आउटस्टैंडिंग सिम्टम्स हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये क्लिनिकल प्रूविंग डिस्को के बहुत ही अच्छी तरह से एस्टेब्लिश क्लिनिकल प्रूविंग है। तो हर केस के अंदर आप डिस्को दे सकते हो, चाहे आप अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ में दे सकते हो, बैचलर मेडिसिन के साथ में दे सकते हो, यदि बहुत ज्यादा घबराहट किसी को हो रही है तो आप बगल नजोर का सहारा भी वहां ले सकते हो। तो ये इतने अच्छे एक्शन हमें इस दवा के देखने को मिलते हैं। अब
ये लक्षणों पे से आपको ध्यान में आ गया कि क्लोजली रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है, तो आर्सेनिक एल्बम है, क्योंकि रेस्टलेसनेस आर्सेनिक जैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी अर्जेंटम नाइट्रिकम है, एग्जामिनेशन फंक, बहुत बड़ी पब्लिक स्पीच करना है तो एग्जामिनेशन फंक रेमेडी है अर्जेंटम नाइट्रिकम, तो बहुत बड़ी स्पीच करना है, एग्जाम देना है, तो वहां पे यदि घबराहट होती है तो बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटेड होती है अर्जेंट नाइट्रिकम। ठीक वैसे ही लक्षण हमें यहाँ पे डिस्को के अंदर भी देखने को मिलता है और छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलता है जो हमें काल्मिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इन तीनों मेडिसिन से क्लोजली रिलेटेड हमें ये दवा डिस्को देखने को मिलती है। अब इसे लेना कैसे है, तो इसको लेने का तरीका बहुत ही आसान है। ये 30 या 200 पोटेंसी में आपको इजीली मिल जाएंगे, डिस्को 30 या डिस्को 200 नाम से आपको इजीली मिल जाएंगे, हो सकता है डिसेंट्री 200 नाम से मिले। तो इसको लेने का तरीका यह है कि इसकी दो दो बूंद आपको सुबह शाम कंटिन्यूअसली जुबान पे लेना है। खासकर ऐसे लोगों को यदि एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और एग्जाम एक महीने बाद में है तो महीना भर तक के ये दवा आपको कंटिन्यूअसली लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को बहुत सालों से ये तकलीफें होती है और उसकी वजह से और सुपर इम्पोज तकलीफें हमें शुरू होती हुई देखने को मिलती है, तो उन्हें थोड़े लंबे समय तक इस दवा को लेना है, 1.5 से 2 महीने तक इस दवा को कंटिन्यूअसली लेने के बाद में फिर से सिम्टम्स को रीएवेल्युएट करना चाहिए। ये दवाइयाँ जो आप ले रहे हो आपके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही लीजिए। तो ये थे आज की दवा डिस्को के बारे में। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी आप सभी को पसंद आई होंगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग हेल्थ से रिलेटेड या होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आया होगा तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन दवाइयों के बारे में पता चल सके। इस दवा के बारे में या ऐसी दवाइयों के बारे में, बॉयल नोजल के बारे में बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगी, यहाँ पे फ्री में, टोटली फ्री में आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा बॉयल नोजल के अंदर। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह का कई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।